हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय करो, हाय करो, हाय एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग गाड़ी से ही व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था हम लोगों ने जाना है एक जगह पे। हमारे साथ गोलू और विशाल भी जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे, वहीं पहुंचकर मैं बताऊंगा तसल्ली से कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा काम है जो कि इम्पोर्टेंट बीवियों द्वारा बनाया गया होता है। हम जैसों को तो इतना आइडिया होता ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, वो सब बीवियों को ही पता होता है। तो शिवाना के लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए, अरे बेटा डैडा को बात तो करने दो, इसमें यहाँ आके बैठना होता है। और गोलू आ गया है यहीं पे क्योंकि कल रात को ये दोनों जब गए थे अपना कोई भी वाहन नहीं लाया था, तो मेरी स्कूटी लेके चला गया था गोलू, फिर अभी वापस आ गया है और हमने फिर विशाल को उठाना है बस। हम ये देखो, वो स्त्री है, वो किसी से भी काम करवा सकती है, अपने देवर को भी नहीं बख्शती। बेटे के पीछे बैठो जी, बैठो बैठो, मम्मा आ गई, बेटा दो मिनट सबर तो करो भाई। मेरी बीवी लाइफ में कभी तो कोई समझदारी करे, फिर भूल गई है कुछ, अब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा भाई, हमेशा सामान भूल लेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग गाड़ी में आपको दिख रहे हैं, शिवाना एकदम रेडी है क्योंकि हम जा रहे हैं शिवाना के सेकंड बर्थडे का शूट करने। खुद ही करता है, लास्ट टाइम मैंने खुद ही किया था, तो हम तो ऐसे सिंपल से ही रेडी हुए हैं। बट चलिए आपको दिखाएंगे कैसा शूट कर रहे हैं गाइस। बारिश ने अपनी शुरुआत कर दी है और पता नहीं क्या होगा, भगवान बताए। बारिश तो जी, हम लोग आए हैं सुंदर नर्सरी, अभी ये जाने दो जरा, फिर बात करता हूँ। वाव दिया ट्रैक्टर। तो हम लोग सुंदर नर्सरी आए हैं क्योंकि हमने करना है विशाली कह रहा हूँ, शिवाना के बर्थडे का शूट। यार बेबी नहीं है जरूरत, मैं चलाऊंगा कैसे इसको। तो मैं कह रहा था कि हम लोग आए हैं सुंदर नर्सरी सब लोग, और हम लोग शिवाना के बर्थडे का शूट करने आए हैं यहाँ पे, जिसकी फोटोज आपको बर्थडे पे दिखेंगी क्योंकि शिवाना का बर्थडे मंथ है, इसलिए हमने आज सोचा कि कर लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि बारिश आ गई थी इतनी ज़्यादा, हम काफ़ी देर ना गाड़ी में ही बैठे रहे, थोड़ा बहुत कीचड़ भी हो गया। लेकिन देखते हैं कि कहाँ कर सकते हैं हम शूट, कैसे कर सकते हैं। तो हमने उधर से एंट्री करी थी लास्ट टाइम ना। जो यूएसपी है भाई इस नर्सरी की, वो ये है, ये लेक छोटा सा, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा हवा की कमी है, वरना ये और प्यारा लगता, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है पता है। बट आप देखो कितनी ग्रीनरी है, कितना प्यारा लग रहा है। और सब लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, खाना पीना करते हैं, अपना पिकनिक विकनिक करते हैं। और यहाँ पर ना खेलना अलाउड नहीं है, मतलब जैसे हम लोधी गार्डन में करते हैं ना, और जैसे लोधी गार्डन में हम लोग बॉल ले जाते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं, यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। और मेरी इतनी हालत अभी पसीने से बुरी है, मैं इसलिए अपने आप को ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, आप बस इस नज़ारे को देखो। तो जी शिवाना को लेके मैं निकल गया हूँ पार्किंग की तरफ, ये लोग अभी अपनी फोटो शूट कर रहे हैं। शिवाना भी थक गई है और मैं भी थक गया, और मैं चाहता नहीं हूँ किशन बाग में जो हाल हुआ था शिवाना का, बेचारी बीमारी हो गई थी बाद में, इसलिए मैं इसको लेके वापस जा रहा हूँ गाड़ी में बैठने के लिए, थक गई है अभी। ये
ये मॉन्यूमेंट। ओके गाइस, तो शूट वूट हो चुका है, जैसे तैसे कर पाए कर लिया। मौसम देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन हवा एक पैसे की नहीं है। हम लोग मतलब गर्मी से बेहाल हो चुके थे, शुक्र है धूप नहीं थी, नहीं तो हम इससे ज्यादा परेशान होते। शिवाना ने भी एंड में बोल दिया कि चलो अब शिवाना हमें दूध पी रही है और सोएगी, अब हम देखते हैं कहाँ जा रही है। तो हम लोग आए हैं जो सीपी में हनुमान मंदिर है वहाँ की कचौड़ी खाने। हनुमान कचौड़ी वैसे दो तीन है लेकिन हनुमान कचौड़ी की सबसे फेमस और अच्छी है, तो उनसे हमने एक एक कचौड़ी ले ली क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी होती है तो सिंगल ही खाई जाती है ये है। और विशाल गया अभी मिर्ची लेने के लिए। हाय गाइस, मैं आपको दिख रही होंगी मम्मी के घर, शूट वूट करके हम लोग आ गए थे मम्मी के घर कुछ खा के, कचौड़ी खाई थी यहाँ पे देखा था, फिर उसके बाद हम घर आए, मैंने रेस्ट किया 5-10 मिनट और अब मैंने चाय पी है, इन लोगों ने पी ली है, मैं पी रही हूँ। 8 बज रहे रात के, चाय पी रहे हैं और इतनी थकावट हो गई है ना क्या बताऊँ, बहुत थकावट हो रही है। और साथ में ना मैं इतने दिनों बाद खा रही हूँ आटे वाले बिस्किट। गाइस आज है मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी कितने साल के हो गए? साल मत पूछ, अभी तो मम्मी जस्ट 18, हम बड़े हो रहे हैं मम्मी। गिफ्ट क्या मिला आपको पूछ रही है? गिफ्ट तो क्या मिलेगा, ये मेरा परिवार मेरा गिफ्ट। इनको गिफ्ट चाहिए, कैमरे में बोल रही है। अच्छा, ये परिवार मेरा गिफ्ट है। अरे इनको पति इनको सबको दिला सकते हैं। ये वो है, पति ने पता क्या बोला सुबह, पीठ नहीं लगनी चाहिए घर तेरे नाम की पीठ लगेगी। बताओ आपको कैसा लगा गिफ्ट? गिफ्ट तो ऐसा लगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं सोच सकता था ना, यही हमारा दिमाग था, यही एक्चुअली हम कल ही लेके आए ये, जब हम विशाल मैं और विमांशु कल जब मैं आया था मम्मी घर पे रात को, और जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने मेरे को इतना शौक था कि मेरे को नथनी मिले, और तो अब जाके मिली जब मेरी धोती आ गई है। शिवानू यहाँ बना रही है नानू के साथ रोटियाँ, आप तो तंदूरी सिखा रहे हो सीधा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे करके रोटी बनाओ, लंबा करो, बनाओ गोल गोल रोटी बनाओ, ऐसे करो, लो बनाओ, बना ऐसे करो, ऐसे करो, करो करो काकू, ये लो लो, जल्दी करो, 1 2 1 2। मम्मा लगवा रही मेहंदी, बच्चा बुला रहा है लेकिन मम्मा को कोई लेना देना नहीं है, मम्मा को लेना देना सिर्फ मेहंदी से अपनी। बुलाओ बेटा मम्मा को, मम्मा सुन ही नहीं रही है बेटा। भाई शिवाना भी चली गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पे। वो देख गिरे ना, इतनी क्या ताकत आ रखी है, इतनी क्या ताकत आ रखी है। हाँ दिखा तो दे मेहंदी, देख लो भाई मेहंदी, और आते वस्तु में खराब भी कर दी, चाट भी सकता है, चाट गया। मम्मा हैंड्स। देखो जी हम लोग आ गए अपने घर वापस और शिवानू अपने हाउस में घुस चुका है, मेहंदी निकाल दी है, धो दी है,
धोई नहीं है, झाड़ी है, विक्स लगाई है, झाड़ के विक्स लगा दी। और ऑस्टू वहाँ पे है, शिवाना यहाँ अपना खेल रही है। इस व्लॉग को हम लोग करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। चलो जी कल मिलते हैं, बाय बाय।